मैं फातिमा लैंग्वेज फ्रेंड आज आपके लिए हेल्दी रेसिपी लेके आई फ्रेंड, जिसके लिए देखिए यहाँ पर हमने दलिया लिया है। ये देखिए आप दलिया लिया है मैंने, और यहाँ पर एक कटोरी मैंने मूंग की दाल को वॉश कर लिया है मैंने वो लिया है, एक टमाटर लिया है, दो तीन हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा पालक लिया है, और यहाँ पर मिक्स सब्जी ली है। अब देखिए फ्रेंड मर्जी आपकी, अगर आपके पास सब्जी अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है आप वो डालिए। तो मैंने क्या किया फ्रेंड, मेरे पास में लेफ्ट ओवर चिकन की सब्जी बच रही थी फ्रेंड, मैंने सुबह चिकन की सब्जी बनाई थी, और सुबह मैंने कीमा का हमारा बनाया था, शाम को मैंने मेरे कज़न आए थे मैंने चिकन बनाया था, तो दोनों सब्जी मेरे पास थोड़ी थोड़ी बच गई थी। तो आप इसमें बना के ना फ्रेंड यकीन करिए इतना टेस्टी बनेगा ये, हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हमें सब एक साथ डालना। अभी सब्जी बची ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं वेज सब्जी डाल दूँगी, इसमें मैं पालक डाल दूँगी, इसी में टमाटर, इसी में मूंग की दाल। अब देखिए फ्रेंड ये मेरा कप है, एक कप ये मैंने मूँग की दाल ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो कप मैं इसमें दलिया लूँगी, दो कप दलिया हमारे फेवरेट हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप चाहें तो फ्रेंड आपके यहाँ कितनी क्वान्टिटी लगती है आप उसके हिसाब से आप दलिया ले सकते हैं, ये मैं सिर्फ दो कप। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे फिर ना आधा चम्मच, क्योंकि हमने जिसमें सब वेज सब डाला अकॉर्डिंग सिर्फ हम नमक डालेंगे, मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है सब्जी में ऑलरेडी, मिर्ची और ऊपर गर्म मसाला जाएगा, तो हमें तो नमक आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। अब देखिए इतना डालेंगे कि हमारी तब ये सब सब्जी कवर हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जरा मिक्स करके एक बॉयल आने के बाद में फिर 10 से 15 मिनट हमें इसको स्लो पे रखना, ताकि हमारा दलिया भी गल जाएगा वो दाल भी गल जाएगी। अब यहाँ पर हम नमक और मिर्ची दोनों चेक कर लेंगे, हमें हल्का सा नमक अभी भी फीका लग रहा है, मिर्ची परफेक्ट, तो हम इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम गैस स्लो कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, अब इसको एक साथ अच्छी तरह मिक्स करके और हम इसको स्लो रख के 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार खोलते हुए बहुत सारा पानी इसके अंदर, ये हमने गैस स्लो किया है और 15-20 मिनट के लिए हम उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। फिर हमारा दलिया कितना अच्छा गल गया, दाल भी अच्छी गल गई, आप इसको देख सकते हैं इतना लिक्विड अभी और 5 मिनट पकेगा, और तब तक हम क्या करते हैं इसका तड़का रेडी करते हैं। इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, फिर इसी के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें हम आधा से कम चम्मच से भी कम लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आप चाहे तो मत डालिएगा, आप फीका खाना ज़्यादा फीका खाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पुदीना ऐड करेंगे, आधा चम्मच से भी कम इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, अब हम इसमें एक चम्मच असली घी ऐड करेंगे, बस ये हमारा दलिया रेडी फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारा इतना हेल्दी दलिया रेडी, आप जरूर इसे बनाएगा, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आपको, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।